आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को नागपुर शहर में राज्य कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया था। आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से चुनाव की रणनीति तय की जा रही है। ऐसे में ही शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागपुर राज्य कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लोकसभा चुनाव के सदस्य विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे प्रमुखता से उपस्थित थे। ये बैठक इतनी अहम थी कि उपस्थित सभी पदाधिकारियों के मोबाइल भी एक जगह पर रखा गया था। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए, विधायक प्रवीण दरिकर, विधायक आशीष शिलार, सुबोध मोहिते, चित्रा पाक सहित राज्य के सभी प्रमुख, जिला प्रमुख, पदाधिकारी, सभी विभाग के अध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित थे। इस बात की जानकारी हर्षवर्धन पाटील और विधायक आशीष शेलार ने दी। जनता पक्ष कुठल्याही निवडणुकीला कायमच सामोरे जायची तयारी असते आणि मला असं वाटतं पार्लमेंटच्या उमेदवारांचे निर्णय हे केंद्रीय पातळीवर होतात, त्यामुळे ह्याबद्दलचा उद्या निवडणूक लागली तर याचा निर्णय हा सेंट्रल लेवललाच होणार आहे। प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारे प्रदेश के सभी नेता पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे चुनाव के संयोजक, हमारे भिन्न भिन्न आघाड़ी और मोर्चा के अध्यक्ष और संयोजक, सोशल मीडिया के संयोजक, ये सब मिलकर हम आने वाले लोकसभा चुनाव में महायुति इस नाते, एनडीए इस नाते 48 के 48 सीटों पर जीत के लिए करने वाली रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के रणनीति को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे, इन्होंने मार्गदर्शन किया। एक ही गारंटी काफी है, वो गारंटी है नरेंद्र मोदी। आणि म्हणून एक प्रकारे आपण भाग्यवान आहोत, आपल्याला अशा प्रकारचे नेते लाभले आहेत की ज्या नेत्यांबद्दल देशातल्या सर्वसामान्य व्यक्तीला आत्मीयता आहे, आपुलकी आहे। सामान्य माणसाला वाटतं की आमच्याकरता राज्य करतात। मोदीजींकडे आज आपल्या परिवाराचा घटक म्हणून ते पाहतात। मोदीजी जेव्हा मेरे परिवारजनो अशा प्रकारचं संबोधन करतात, त्यावेळी त्या प्रत्येकाला वाटतं की हो, आम्ही मोदीजींच्या परिवारातले आहोत। आणि मला असं वाटतं की इतकी क्रेडिबिलिटी असलेला नेता हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये खरं म्हणजे एक अतिशय आगळी वेगळी अशा प्रकारची क्रेडिबिलिटी ही मोदीजींना प्राप्त झालेली आहे। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की येत्या लोकसभेच्या तयारीच्या निमित्ताने आपलं सगळ्यात मोठं ऍसेट काय आहे, तर आपलं नेतृत्व आहे की ज्या नेतृत्वाच्या बद्दल लोकांच्या मनामध्ये विश्वास आहे। आज बघा, विरोधी पक्षांनी मिळून एनडीए आघाडी तयार केली आणि या एनडीए अलायन्सने जणू काय आता मोदीजींच्या विरोधात सगळे एकत्रित झाले आहे, जनमत एकत्रित झालाय आणि आता आम्ही मोदीजींना हरवणारच अशा प्रकारची भावना तयार करण्याचा प्रयत्न केला। ज्या दिवशी 5 राज्यांचे निकाल होते, लगेच काँग्रेसने घोषित केलं 6 डिसेंबरला बैठक होणार, अर्ध्या तासात ममताजींनी सांगितलं मी जाणार नाही, अर्ध्या पक्षांनी सांगितलं आम्ही जाणार नाही आणि शेवटी ती बैठक त्यांना पुढे ढकलावी लागली। कारण हे जे एनडीए अलायन्स तयार झालेलं आहे, या एनडीए अलायन्स समोर कुठला अजेंडा नाही। इस बैठक के दौरान सभी नेताओं का कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सभी सीटों पर भाजपा ही जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।